वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू रैंडम ई विज्ञान गाइस, वी होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारे टिगोर ईवी पे जो स्क्रैच आया था वो हमने ठीक करवाया। हम ये वीडियो इसके लिए बना रहे हैं कि हमने एक्चुअली टाटा ऑफिशियल से भी पूछा था कि इसमें कितना खर्चा आएगा, क्योंकि तो गाड़ी पे डेंट वगैरह भी था, आपको कैमरा में वो अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट एक्चुअली डेंट भी बहुत ज़्यादा था और स्क्रैचेस तो थे ही थे। तो हमने टाटा ऑफिशियल्स को भी पूछा कि कितना खर्चा आएगा, और प्लस हमारा एक फ्रेंड है यूनिटी कार केयर करके जो पुणे में है, उससे भी पूछा कि कितना खर्चा आएगा। और दोनों में डिफरेंस ये था, एक तो टाटा वालों ने थोड़ा एक्सपेंसिव बोला, वो हम आपको बताएंगे रेट आगे क्या रहेगा, और जो टाटा ने वारंटी दी थी वो भी अलग था, और जो हमारे फ्रेंड ने बोला था वो कुछ रेट अलग था, प्लस जो कलर का वारंटी था वो भी कुछ अलग था। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम अपने फ्रेंड से करा के देखते हैं और क्या डिफरेंस आता है वो भी देखेंगे। तो अभी वीडियो चालू करते हैं और आपको आगे की चीज़ें बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब ये फ्रेंड को गाड़ी दी, उन्होंने उनको ही बोला था एक्चुअली वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि तो ये कभी ठीक करते हैं रात में, कभी ठीक करते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम तो नहीं रहेगा कि हम जाके बैठें। तो उनको ही बोला था कि जितने भी चीज़ें ठीक हो रही हो जल्द से जल्द वीडियो शूट करके हमको भेज दे। प्लस सबसे पहले आप देखोगे वीडियो में तो उन्होंने पूरा मास्किंग किया हुआ है, और उसके ऊपर जो भी पुट्टी वगैरह बोलते हैं वो भरते हैं स्क्रैच के ऊपर। उसके बाद उन्होंने डेंट वगैरह भी निकाला थोड़ा सक्शन से, तो वो भी ठीक हो गया। प्लस आप देखोगे वीडियो के अंदर ही उन्होंने पुट्टी वगैरह लगाई है, उसके बाद में कलर होता है। तो जैसे आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने पुट्टी वगैरह लगाने के बाद में कलर चालू किया, और इन्होंने कलर भी जो मैच किया है वो एग्जैक्ट मैच किया है, बिल्कुल भी ऐसा ऑफ नहीं लग रहा है। जब भी आप धूप में खड़ी करते हो गाड़ी तो तभी बिल्कुल ही डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता है कि जो कलर्स जो उन्होंने मैच किए हुए अच्छी तरीके से मैच किए हुए हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने कैसे पुट्टी लगाने के बाद में कलरिंग का काम चालू किया। तो यहाँ पे एक्चुअली टाटा बोल रहा था कि हमको गाड़ी 3 या 4 दिन रखनी पड़ेगी, और हमारे फ्रेंड ने बोला था कि 1 दिन में गाड़ी दे देंगे। तो बेसिकली अगर आज हम सुबह छोड़ते थे गाड़ी तो नेक्स्ट डे हमको दोपहर तक गाड़ी मिल जाती है। इनको 24 आवर्स रखना पड़ता है ताकि कलर सूखे, और उसके बाद में उन्होंने रबिंग चालू किया, तो वो भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो ये नेक्स्ट डे है जब हम कार को देखने गए थे कि कलर कैसे मैच कर रहा है। 24 आवर्स सूखने के बाद में इन्होंने रबिंग चालू किया ताकि थोड़ा सा जो अभी आप अगर आप वीडियो में देखोगे तो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, तो वो थोड़ा सा मैच करने के लिए ये लोग रब वगैरह करते हैं। तो एक बार पूरा रबिंग हो जाता है उसके बाद फाइनल प्रोसेस गाड़ी पूरा का पूरा वॉश होता है, और आपको अभी फाइनल आपको दिख जाएगा कि एकदम ही कलर मैच करता है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेंट वगैरह भी आसानी से सब निकल गए। तो पूरा डेंट और पूरा स्क्रैचेस निकल गए यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस दोनों भी सेम लग रहे हैं। ये पोर्शन पे डेंट और स्क्रैच हुआ था, और ये नेचुरली ये पोर्शन थोड़ा धूप में है तो आपको थोड़ा सा ये दिख ब्राइट दिख रहा है और ये थोड़ा फेडेड दिख रहा है, बट दोनों कलर मैच कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आते हैं प्राइस पॉइंट पे। टाटा ने हमको बोला था 6500 के करीब कुछ जाएगा, और वो भी उनको 6 महीने का वारंटी देंगे हमको कलर का, और हमारे फ्रेंड ने बोला था 2500 जो 3 साल का वारंटी देंगे। बेटर हमको ये लगा कि हमारे फ्रेंड से हम कराते हैं, और प्लस टाटा ज़्यादा टाइम भी ले रहा था, 4-5 दिन बोल रहा था कि आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी। प्लस फ्रेंड से पूछा तो हमारे फ्रेंड ने बोला कि 1 दिन में हम दे देंगे आपको, तो हमको बेटर वो लगा कि हम अपने फ्रेंड से करवाते और देखते कि कैसा होता है। हम तो सेटिस्फाई थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, सब कुछ ठीक था। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा कुछ कराना है तो यूनिटी कार केयर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अब हम उनका नंबर भी डाल देंगे, सौरभ भाई करके हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, आपको सब कुछ करके दे देंगे। सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, विल सी यू टुमारो। और कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें हमने ट्राई किया था सातारा से लेके पुणे तक स्पोर्ट्स मोड में इंटिगो ईवी। सो विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर।